हाय एवरीवन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसमें से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पूरी तरह से देख लिए थे हम लोग, और सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें एलिमेंट का ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप प्रिडिक्ट करना, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी था एग्जामिनेशन के लिए। लास्ट लेक्चर में हमने उसी को करा था। अब इस चैप्टर का बताया जो सेकेंड पार्ट है, यहाँ से पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इतना हो गया, ये वाला पार्ट अब बचा हुआ है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, या फिर इसे ही हम लोग कहते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या फिर एटॉमिक प्रॉपर्टीज। देखो, एलिमेंट्स के कई फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले तो किसी भी सब्सटेंस के लिए दो प्रकार के प्रॉपर्टीज होते हैं, फिजिकल और केमिकल। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब सिंपली हुआ कि उसमें कोई केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब हुआ कि वह प्रोसेस जिसमें पुराना चीज़ ख़त्म होकर कोई नया चीज़ का निर्माण करेगा, पुराना चीज़ ही बदल जाता है कुछ नए में, वह केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात नहीं करेंगे, उसके लिए आगे चैप्टर्स हैं। यहाँ हम लोग को फिजिकल प्रॉपर्टीज जानना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब इसके अंतर्गत कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे, कुछ पुराना चीज़ ख़त्म हो करके नया नहीं बनने वाला है, थोड़ा बहुत चेंज करता है स्टेट वगैरह, बाकी सारी चीज़ें लगभग वही रहती है जो इनिशियल केस में था। अब इसमें से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसके बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट, ऐसे करके कई प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट के जो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं किस पे, डायरेक्टली डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं ये सारे प्रॉपर्टीज। क्या है इन्हीं प्रॉपर्टीज को डील करना है? आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये वैसे प्रॉपर्टीज हैं किसी भी एलिमेंट के लिए जो एकदम सीधा डायरेक्टली निर्भर करता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। कुछ प्रॉपर्टीज वैसे भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड तो करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जैसे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, जैसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ऐसे। तो ये सभी कुछ वैसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एलिमेंट्स के वे प्रॉपर्टीज जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल वाइज, सब सेल वाइज, जो भी हमने पढ़ा ऑर्बिटल वाइज, सबके आधार पे, तो यही सारे प्रॉपर्टीज कहलाते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। किसी भी एलिमेंट के लिए वे प्रॉपर्टीज जो किसी ना किसी रूप से उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करे, ये सारे प्रॉपर्टीज एटॉमिक प्रॉपर्टीज या फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के नाम से जाने जाते हैं। तो इस पार्ट में हम लोग को जो बेसिकली पढ़ना है ये
इसके बारे में जो जो डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, इन प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी डिटेल में देखना है। ये वाले प्रॉपर्टीज़ नहीं करेंगे इस चैप्टर में, वे आगे चैप्टर में धीरे धीरे आएंगे। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या है समझ गए, किसी भी एलिमेंट का वह प्रॉपर्टीज़ जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड कर रहा हो, मतलब उससे प्रभावित होता हो उसका वह प्रॉपर्टी, या उसके आधार पे उसके प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हों, दोनों बातें हैं। अब एक एक करके इन्हीं टर्म्स को काफ़ी डिटेल में देखना है। तो सबसे पहला इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट, सबसे पहला इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट एटम के बारे में क्या जानते हैं हम लोग कि एक एटम है, इसमें दो पार्ट है, एक न्यूक्लियस और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज। ऐसा एक एटम है जिसमें दो पार्ट है, एक उसका सेंटर में न्यूक्लियस है और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो चीज़ें हैं, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मतलब न्यूक्लियस के बाहर जो बच रहा है वह इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। अब किसी भी एटम में जो है दो तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, और वैसे एटम में जिसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा हो एक से, मतलब कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में है। ध्यान से समझोगे, ये सारे कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, रटने का नहीं है। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में, जैसे कोई भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, तो जान रहे हैं हम लोग कि एक इलेक्ट्रॉन वाला एटम तो मात्र केवल हाइड्रोजन है, जिसे यूनि इलेक्ट्रॉन एटम बोलेंगे हम लोग। हाइड्रोजन के अलावे अब कोई भी एटम लोगे उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या एक से ज़्यादा ही है, मतलब सारे क्या हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं। तो किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में क्या बताएं कि दो तरह का, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करते हैं। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन क्या है, जरा ध्यान से समझोगे। जैसे मान लिया जाए कि यह न्यूक्लियस हुआ, इसके बाद ये कई सेल्स हैं, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन भी दिखाई दे। फर्स्ट सेल है तो मान लें कि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैसे सेकेंड सेल है तो मान लिया जाए यहाँ आठ इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे। और ये लास्ट वाले में मान लिया जाए कि दो इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब ये दो आठ दो वाला कॉन्फ़िगरेशन है, सपोज मैग्नीशियम का एटम है। ध्यान से समझोगे चीज़ों को,
तो अभी जैसा कि हम बताएं कि एक एटम का सेंटर में है न्यूक्लियस, जो हम लोग पहले से जान रहे हैं। न्यूक्लियस के बाहर सेल और उन सेल्स में कई इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सेल में वह तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर डिपेंड करता है। तो यह जो हमने यहाँ बताया कि एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, तो इसमें हमेशा दो प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग उसे कहते हैं जो चार्ज स्पीसीज के बीच ऑपरेट होता है। चार्ज स्पीसीज मतलब कि दोनों सेम चार्ज हो सकते हैं, दोनों अपोजिट चार्ज के हो सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। तो एक बात जो हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था कि होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है और यह जो न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कार्य करता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी जो है वह बोलता है कि यदि ये दो अपोजिटली चार्ज स्पीसीज है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ यह जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच, इसे ही हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इसे ही हम लोग कहेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो वह अट्रैक्टिव फोर्स जो ऑपरेट होता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच किसी भी एटम में, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। हमेशा जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे न्यूक्लियस की तरफ। और दूसरा कि जैसे फर्स्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन्स थे, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आए, थर्ड सेल में फिर 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो ये जो फर्स्ट सेल और सेकेंड सेल का इलेक्ट्रॉन है इसके बीच तो रिपल्सन होएगा, ये दोनों एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। उसी प्रकार से सेकेंड और थर्ड सेल का है तो इसके बीच भी रिपल्सन होगा। रिपल्सन कब होता है, जब सेम चार्ज हो। अट्रैक्शन कब होता है, जब अपोजिट चार्ज हो। तो इस केस में दोनों पे अपोजिट चार्ज था इसलिए इन दोनों के बीच अट्रैक्शन हुआ, जिसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोल रहे हो। लेकिन यहाँ देखोगे तो यह फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल का इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच रिपल्सन होएगा, क्या कि सेम चार्ज है। सेम वे में सेकेंड सेल का इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल का इलेक्ट्रॉन इसके बीच भी रिपल्सन होएगा। अब फर्स्ट और थर्ड का नहीं होगा क्योंकि बीच में तो सेकेंड सेल है ना, तो रिपल्सन इससे होगा जो सामने में है। तो इसे हम कहेंगे क्या, इलेक्ट्रो अस्टैटिक रिपल्सन। इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन कहेंगे। तो एक एटम, बेसिकली मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम बोलना है, उसके अंदर कैसे दो प्रकार के फोर्स ऑपरेट हुए समझ पाए इसको, कि हमेशा अपोजिट चार्ज के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट होता है। तो यह पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच जो यहाँ फोर्स लगेगा वह एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहेंगे। लेकिन उसी में अलग अलग सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये सेम चार्ज वाले स्पीसीज हो गए, तो इनके बीच यहाँ रिपल्सन होएगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन कहलाएगा। मतलब एक एटम के अंदर ये दोनों फोर्स ऑपरेट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, दोनों चीज़ें। अब ज़रा ध्यान दोगे यहाँ से, तो इस तरह से यदि पूछा जाए कि बताओ कोई इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है या रिपल्सिव फोर्स, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए कि दोनों। न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है, लेकिन फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से उसे रिपल्सिव फोर्स भी करना पड़ता है। तो जैसे मान लिया जाए कि यहाँ न्यूक्लियस जिसमें कि प्रोटोन है और प्रोटोन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वह प्रोटोन का ही जो पॉजिटिव चार्ज है उसी के चलते न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है ना उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, किसके चलते है, प्रोटोन के चलते, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटोन है। अब ज़रा सोचो कि जब न्यूक्लियस से यहाँ चार्ज निकलेगा
इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए, ध्यान से समझोगे ऐसे, तो सबसे पहले यह चार्ज पहुंचेगा किसके पास, जो फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है मतलब कि न्यूक्लियस के जो सबसे नज़दीक है उसके पास। अब ये फर्स्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि इस चार्ज को एक्सपीरियंस करेंगे जो न्यूक्लियस से निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन की तरफ न्यूक्लियस की तरफ पे थोड़ा अट्रैक्शन फील करेंगे। अब कुछ न्यूक्लियर चार्ज तो रुक जाएगा इन दो इलेक्ट्रॉनों के चलते, बाकी का जो न्यूक्लियर चार्ज बचेगा वो फिर जाएगा यहाँ से रुकने के बाद, मतलब यहाँ से पहले यहाँ पहुँचा, अब यहाँ से चार्ज जो बचा वो गया सेकेंड सेल के इलेक्ट्रॉन के पास, फिर यह इलेक्ट्रॉन कुछ अट्रैक्शन फील करेगा, लेकिन इन दोनों के बीच रिपल्सन भी हो रहा था, तो इसका मतलब कि जितना चार्ज फर्स्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा न्यूक्लियस का, उतना ही चार्ज या सेकेंड सेल का इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन रिपेल भी कर रहा है, दूर भी भेज रहा है, और जबकि न्यूक्लियस अपने चार्ज से इसको अंदर भी लाना चाह रहा है, तो ये रिपल्सन के चलते कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स तो इसका मिनिमाइज होगा ना, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, और बाकी का जो चार्ज अब यहाँ से बचेगा वो पहुँचेगा थर्ड सेल के पास, मतलब मान लें इसको कि यह लास्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल है। तो क्या हमने कहा कि न्यूक्लियस से जो न्यूक्लियर चार्ज निकल रहा है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन का जो चार्ज है, वह चार्ज सबसे पहले फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, और ये फर्स्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन फुल न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, हमेशा नहीं, जो आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो चार्ज यहाँ से बचेगा फर्स्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन से जो निकलेगा वहाँ से, उसके बाद वह जाएगा सेकेंड सेल वाले इलेक्ट्रॉन के पास, सेकेंड सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज को उतना एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे जितना फर्स्ट सेल, क्यों, क्योंकि सेकेंड सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए अब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी हो रहे हैं, और रिपल्सन देखोगे तो दोनों तरफ से है, सेकेंड सेल है तो थर्ड सेल भी रिपेल करेगा, फर्स्ट सेल का भी इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स एक साथ ऑपरेट हो तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्योंकि अपोजिट नेचर के फोर्स हैं, तो उस केस में फिर जो ज़्यादा होगा वही फोर्स ओवरऑल बचेगा, मतलब यदि यहाँ न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन पे तो वह इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, और यदि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ही ज़्यादा है तो वह इलेक्ट्रॉन फिर रिपेल होगा। तो इस हिसाब से जो हम लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे ना, न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, ये सिंपल सा चीज़ है, जैसे क्लास में कभी आप ऑब्जर्व किए होंगे, कभी भी बचपन में कभी या स्कूल पीरियड में जब भी हो कि टीचर गुस्सा में है, क्लास पूरा क्लास से वह गुस्सा है, कुछ वैसा कांड हो गया होगा, तो ऐसा होता है गवर्नमेंट स्कूलों में कि टीचर उठाए छड़ी और जो मारना शुरू किए लास्ट तक एकदम, तो उसमें शुरुआत में फर्स्ट बेंच में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा पिटाते हैं, सबसे ज़्यादा ताकत टीचर का उन्हीं पे लगता है, और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जाएंगे, दूर चले जाते जाएंगे, वो कम होते जाता है मार, क्यों, क्योंकि ये बीच वाले स्टूडेंट्स जो थे उनको मारने में सर का एनर्जी थोड़ा लॉस हुआ, तो लास्ट जाते जाते थोड़ा खुद थक जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है ऐसे, तो जो सबसे नज़दीक पड़ा वो सबसे ज़्यादा मार को एक्सपीरियंस किया, सबसे ज़्यादा वही धुनाया, जैसे जैसे दूर जाते गए ये कम होते गया, डिक्रीज करते गया, क्योंकि बीच वाले जो है ना सर के एनर्जी को ले लिए, तो सर के पास अब उतना एनर्जी नहीं बचा कि लास्ट वाले को भी उतना ही पीटे जितना शुरू वाले को, होता है ऑब्जर्व किए होंगे इस चीज़ को, घर में भी ऑब्जर्व किए होंगे कि तीन चार भाई बहन हैं, गलती किया सब, पिटाना तो सबका है, तो जो सबसे पहले आएगा हाथ में सबसे ज़्यादा धुनाएगा, उसके बाद वाला उससे कम, उसके बाद वाला उससे कम, और लास्ट वाला तो नाम मात्र का पिटाता है, तो ये जनरल सा बात है कि शुरू में जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल सामने है वह सबसे ज़्यादा चार्ज को एक्सपीरियंस करेगा, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वे इलेक्ट्रॉन जो है कम से कम चार्ज को क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि सबसे कम चार्ज कहाँ पहुँचेगा, सबसे कम न्यूक्लियर चार्ज किस जगह पे पहुँचेगा, तो ऑब्वियसली आउटर मोस्ट सेल के पास,
क्यों कम पहुंचेगा? क्योंकि ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, चार्ज को कम कर रहे हैं, मतलब ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन शील्ड करने का काम कर रहे हैं। शील्ड करने का मतलब होता है ढकना, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रीन, मतलब पर्दा। तो ये है न्यूक्लियस, ये है आउटर मोस्ट सेल, और बीच में ये सेल इनर सेल जो है ऐसे ढकने का काम कर रहे हैं न्यूक्लियस को वैलेंस सेल से, या फिर पर्दा का काम कर रहे हैं ताकि वैलेंस सेल और न्यूक्लियस डायरेक्ट एक दूसरे के आमने सामने ना आवे। तो ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा न्यूक्लियर चार्ज को जो कम किया जा रहा है वजह रिपल्सन के चलते, इसी फेनोमेनन को जो है हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या इसी को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। समझ गए, इसको ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि इन एन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, एक मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो एक से, इन एन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड द न्यूक्लियस फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल एंड देयरफॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एक्सपीरियंस फुल न्यूक्लियर चार्ज, इनस्टीड दे एक्सपीरियंस ओनली अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बिकॉज द इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड द न्यूक्लियस फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और अ स्क्रीनिंग इफेक्ट। एकदम इसे याद रखोगे, बहुत कॉमन सा चीज़ है यह। तो इस शील्डिंग इफेक्ट के बात को समझ गए ना, जब भी होगा तो किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में ही होगा। अब जिस एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें कौन किसको ढकेगा, जैसे हाइड्रोजन की बात करें हम लोग, मान लो हाइड्रोजन एटम ले लेते हो तो क्या फर्क पड़ेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ जितना का चार्ज है सारा का सारा चार्ज तो यही वाला इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा, रिपल्सन जैसा कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ यह फुल न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपीरियंस करेगा। तो इतना सा बात याद रख लोगे कि फुल न्यूक्लियर चार्ज केवल और केवल वही इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर सकता है जो सिंगल हो उस एटम में, उसके अलावे कोई इलेक्ट्रॉन ना हो। जैसे हाइड्रोजन के अलावे हो सकता है, हीलियम है तो इसमें दो है तो दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन हीलियम पे प्लस दे दें तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो यह भी फुल न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपीरियंस करेगा। उसी प्रकार से लिथियम का तीन है तो तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन दो प्लस दे दिया जाए, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक ही बचेगा, तो यहाँ भी यह इलेक्ट्रॉन फुल न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपीरियंस करेगा। तो जिसमें भी इलेक्ट्रॉन मात्र एक है वही इलेक्ट्रॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपीरियंस करेगा, मतलब पूरा का पूरा न्यूक्लियर चार्ज वहाँ तक पहुँच पाएगा। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक ही सेल क्यों ना हो इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा हो, जैसे हीलियम केवल लोगे तो दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही सेल में ये दो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी ये दोनों फुल न्यूक्लियर चार्ज को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, अभी न्यूक्लियर चार्ज तो बटेगा ना दोनों में, तो पूरा का पूरा न्यूक्लियर चार्ज को एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकता है। तो यह जो शील्डिंग इफेक्ट है या स्क्रीनिंग इफेक्ट, इससे हम लोगों को क्या पता चला कि शील्डिंग इफेक्ट के चलते न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के पास कम से कम न्यूक्लियर चार्ज पहुंच पाता है। तो आखिर ये इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज को रोक रहे हैं, जैसे मान लिया जाए अभी मैग्नीशियम के लिए कंसिडर किए थे इसको हम लोग, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, मतलब कि प्रोटॉन 12, मतलब कि जो न्यूक्लियर चार्ज होगा जो वह 12 यूनिट होगा, न्यूक्लियर चार्ज उसको हम लोग लिखेंगे प्लस 12 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से 12 यूनिट पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, लेकिन लास्ट वाले सेल के पास पूरा का पूरा 12 यूनिट नहीं पहुँचेगा, क्योंकि बीच वाले इलेक्ट्रॉन चार्ज को रोक रहे हैं, जिस फेनोमिनन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो आखिर ये कितना चार्ज रोक रहे हैं, ये जो इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये कितना न्यूक्लियर चार्ज को रोक रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, या उसे ही हम कहते हैं शील्डिंग कांस्टेंट, जिसे हम एस या सिग्मा से दिखाते हैं।
एस या क्या चीज़ से दिखाते हैं उसे, हम सिग्मा से दिखाते हैं शील्डिंग कांस्टेंट को। तो अब बात जो सामने आया हम लोग का कि ठीक है लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन फुल न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपीरियंस नहीं करेगा क्योंकि अंदर सेल वाले इलेक्ट्रॉन चार्ज को क्या करेंगे, रोकेंगे। तो आखिर एक्चुअल में यह कितना चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, तो किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहलाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे शॉर्ट में हम लिखते हैं जेड इफेक्टिव। जेड यहाँ न्यूक्लियर चार्ज को बताता है, और न्यूक्लियर चार्ज का मतलब बता दिया, नंबर ऑफ प्रोटोन समझना है ऐसे। तो न्यूक्लियर चार्ज इसे ना बोल करके हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव मतलब जो प्रभावित है, तो यह न्यूक्लियर चार्ज रियल वाला नहीं है, बल्कि बीच में बहुत सारे प्रभाव पड़े हैं इस पे, तब जा करके वहाँ पहुँचा, इसलिए प्रभावित वाला न्यूक्लियर चार्ज, जिसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नाम से हम जानेंगे, जेड इफेक्टिव। तो यदि कोई निकालने बोले कि बताओ यहाँ कितना चार्ज पहुँचा, मतलब कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, तो एक तो डेफिनेशन इसका हम समझ गए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहने का मतलब कि द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन एन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, कि एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक्चुअल में जो न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस किया जाता है, मतलब एक्चुअल में जितना न्यूक्लियर चार्ज वहाँ पहुँचता है उस इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, वही कहलाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कैसे निकालोगे बताओ? यहाँ से निकला पूरा चार्ज, यहाँ पहुँचा थोड़ा सा, बीच वाला कुछ रोक लिया, तो ऐसे नहीं निकल सकता है। जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालोगे तो कि यहाँ से कितना चार्ज निकला, मतलब जेड, जितना चार्ज निकला वही न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटोन है जेड, माइनस कितना चार्ज बीच में रुका। तो जो चार्ज रोका जा रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट पता है कि कितना रोकेगा, उसके लिए हम लोग एक कॉन्स्टेंट देते हैं जिसे स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट या शील्डिंग कॉन्स्टेंट के नाम से जानते हैं, जिसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, एस या सिग्मा से। तो यहाँ माइनस एस, तो यही हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने का फॉर्मूला, कि किसी भी एटम में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज पहुँचता है वो कैसे निकालोगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है कि टोटल न्यूक्लियर चार्ज कितना है, माइनस कर देंगे जो शील्डिंग कॉन्स्टेंट है, मतलब बीच वाले इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज को रोक रहे हैं। तो इस तरह से निकल जाएगा आउटर मोस्ट के पास कितना चार्ज पहुंचा। और यही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कंसेप्ट को समझना वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत कुछ एक्सप्लेन होगा, बहुत कुछ क्या, इसके बाद जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे इसमें, आयनाइजेशन, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वगैरह, सब में ये टर्म जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट आना ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग इसका कैलकुलेशन देखेंगे कि कैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट किया जाता है किसी भी एटम में, कि एक्चुअल में लास्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज पहुंचा। बस अभी स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट और या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये तीन चीज़ को बस ध्यान में रखो, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर कैलकुलेशन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।